देखिए जैसा कि लोहड़ी का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है और बकायदा बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है और मेले का जो आयोजन करते हैं जिसके अध्यक्ष है लोहड़ी मेला के के एम अरोड़ा जी साथ में हमारे मौजूद हैं। सर इस बार क्या कुछ नया है मेले में? इस बार जो दसवां ये लोहड़ी मेला है बहुत सुंदर तरीके से है, सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छे बने हुए हैं, डेकोरेशन पहले से बहुत इम्प्रूव है। एक खास बात की बताओ, बहुत बारह तारीख को हमारे साथ रहेंगे और बहुत सी कॉमेडी करते हैं। इस बार भांगड़ा का ग्रुप है वो भी इंटरनेशनल फेम है। बच्चों की जिन लड़कियों की पहली लोहड़ी है उनको विशेष रूप से सम्मानित भी हम कर रहे हैं। महिला दिवस आज हम महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं, सारे कार्यक्रम जो है महिलाओं में से। और लोहड़ी में जो सौहार्द का वातावरण हम बनाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि पंजाबी कितने प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर कोई भी त्यौहार मनाते हैं। ये एक मैसेज हम समाज को देना चाहते हैं कि सब मिलजुल कर काम करें ताकि हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदुस्तान परम वैभव को प्राप्त करे। जैसा कि देखिए आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इस मौसम में कैसा क्या मतलब भीड़ रही है इस बार? देखिए ये तो ये मौसम ही सर्दी का है, हर बार खूब ठंड रहती है, इस बार तो फिर कम है, लेकिन जब बहुत ठंड होती है तो पंजाबी तो वैसे भी बड़े उत्साही होते हैं। फुल जश्न में, फुल दर्शन में यहाँ आके खूब एंजॉय करते हैं। अभी जब भांगड़ा का भांगड़ा गिद्दा जब शुरू होगा तब देखिएगा कैसे जोर जोर से नाचते मिलेंगे आपको। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया अध्यक्ष जी ने, के अरोड़ा जी ने, कि पंजाबी जो होते हैं वो भांगड़े में वाकई में लीन हो जाते हैं। उसी हिसाब से हम आपको दिखा दें जो एंट्रेंस है, यहाँ पे भी भांगड़े से एंट्रेंस में स्वागत किया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया मेले का आयोजन, और हम आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद मेला भी। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजेश अग्रवाल और के एम अरोड़ा साथ में। विनायक जी आज आए हुए थे, आज लोहड़ी मेले में कैसा लगा और कैसा इंतजाम देखा इस बार? हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है उस बदलाव को जो हम सृष्टि कर रहे हैं। मस्ती करते हैं और त्यौहार में है त्यौहार में छिपने हुए हैं बालिकाओं की खुशी कि जिन्होंने जो है उस समाज को कुछ दिया है। मैं आप सबके मत त्यौहार इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। डॉक्टर बासु, जैसा कि हर साल लगता है लोहड़ी का मेला और इस बार भी लगा है, तो आप आए कैसा लगा, किस तरीके का कुछ नया है इस बार? इस बार ऐसा है कि इसको लोहड़ी को मनाते हुए 10 साल हो गए। इस 10 साल में जो है डे बाई डे जो है बहुत प्रोग्रेस हो रही है। तो डॉक्टर के एम अरोड़ा और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और आप देख रहे हैं कितनी रौनक हो रही है इसमें और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। ये लोहड़ी का मेला जो है पंजाबी की शान है। जब से हम लोग पाकिस्तान से आए थे बहुत बुरी पोजिशन में थे और काफ़ी हालत अच्छी नहीं थी हम लोगों के, परंतु मेहनत और लगन और सहनशीलता को देखते हुए उसको हम लोग जो है अपने आप को बिल्डअप किया। तो आज आप देख रहे हैं कि पंजाबी सिख पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है अपने नाम को पा रहे हैं। देख सकते हैं लोहड़ी का मेला है और तमाम तरीके के स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं और जो लोग आए हुए हैं पंजाबी और तमाम समुदाय के भी लोग आए हुए हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और देख सकते हैं पूरे मेले का नज़ारा। मैं भी कृष्णा शर्मा की